हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा मिर्ची के पकोड़े, जिसके लिए मैंने मिर्ची ली है मोटी वाली और बीच में से ऐसे चीरा लगा लिया है मैंने। इसको धो के अच्छे से सुखा लिया था। उबले हुए आलू लिए हैं एक कटोरी, थोड़ा सा धनिया ले लिया है क्रश करके, थोड़ा सा अजवाइन और जीरा ले लिया है, बेसन लिया है 2 कटोरी। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा और अजवाइन डाल देंगे। इसमें क्रश किया हुआ धनिया भी डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तड़का हमारा लाल हो चुका है, इसमें आलू डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ी देर तक इस मसाले को भुनेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। जब तक हमारी फिलिंग तैयार होगी, हम बेसन का घोल बना लेंगे। बेसन में कलौंजी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। बेसन में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी डालकर बेसन का गाढ़ा सा घोल बना लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें गिल्टियाँ ना रहे। बेसन का घोल हमारा तैयार हो चुका है। इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक मिर्ची में फिलिंग भर लेंगे आलू की। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है आलू की। अब मिर्ची को इस तरह से चीरे लगा लिया था मैंने, अब इसको भरेंगे इसमें। इसी तरीके से हम सारी मिर्चियों में भर लेंगे फिलिंग को। सारी मिर्चियों को मैंने भर लिया है, अब इसको तलेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है कढ़ाई में, बेसन भी हमारा सेट हो चुका है, पकोड़े तलेंगे। अब बेसन में मिर्ची को डुबो के अच्छे से निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे। बेसन हमारा गाढ़ा है, ज़्यादा पतला नहीं करा है मैंने। ज़्यादा पतला करेंगे तो मिर्ची में चिपकेगा नहीं बेसन, इसलिए बेसन गाढ़ा गाढ़ा रखा है मैंने। मिर्ची के पकोड़े को मीडियम आंच पर तलेंगे हम। जितने पकोड़े कढ़ाई में आएंगे उतने डाल देंगे और मीडियम आंच पर पकोड़ों को तलेंगे हम। ऐसे पलटते हुए पकाएंगे इसको। पकोड़े हमारे सुनहरे रंग के हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे पकोड़े तल लेंगे। सारे पकोड़े लाल हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेंगे हम। लीजिए, हमारे भरवा मिर्ची के पकोड़े तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। देखिए हमारे पकोड़े कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो और भी टेस्टी लगते हैं ये पकोड़े। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें।